हेलो बच्चों, तांडव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं बीमारियों से। देखो, बीमारी और एक अपना जो पोषण वाला चैप्टर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए हम बार बार बीमारी के क्वेश्चन लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा कवर करेगा आपका बीमारी वाला जो पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बीमारियों से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। आपको पता होगा कि EMRS जो रिक्रूटमेंट कोर्स है, ये हमारे इनकी जो फीसेस है, इनका जो सिलेबस शुरू हो गया, इनका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो सोशल साइंस जो TGT है, ऑनलाइन बैच की फीस मात्र 499 रुपये है। वहीं साइंस TGT बैच की जो फीस है ऑनलाइन बैच की 499, जबकि हिंदी TGT जो बैच की फीस है वो 499 रुपये है। ठीक है। मैथ्स TGT जो बैच है ऑनलाइन, इसकी 499। हॉस्टल वार्डन की जो फीस है वो 399 है। और EMRS जो TGT प्लस PGT टेस्ट है, ये मात्र 299 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है। और MPTT वर्ग 2 और कोर्सेज, हमारे जो कोर्सेज हैं, मैथ्स फीस मात्र 999 रुपये है, हिंदी फीस 999, साइंस 799, सोशल साइंस 799 और संस्कृत की 999 रुपये है। ठीक है। कोई भी आपको क्यूरी है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर 9589812077। ठीक है। फिर और कोर्सेज जो हमारे हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्जाम हिंदी, इसकी फीस है 4999 रुपये है। नेट GRF की फीस है जो वो है आपकी 4999, और हिंदी फाउंडेशन जो है मात्र 599 रुपये में अवेलेबल है। कोई भी क्यों जानना तो आपको वही नंबर लिखा है। और हमारे एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को क्या करें, डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे जाएं और तांडव क्लासेस लिख के वहाँ पर डाउनलोड करें आप। ठीक है। चलें। ये आपका नंबर है, इस पर आप कुछ भी क्योरी है आप पूछ सकते हैं। नाउ, अब हमारा पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी कि मेमोरी पावर होती है, वो कहाँ होती है। चले बताएं। ओके, छाया, राधे राधे, रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आकांक्षा, सीता बनोते, गुड इवनिंग, पूजा शर्मा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, पिंकी, जय महाकाल, छाया ने आंसर करा है ए करा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दीक्षा गलत है, बोल रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो, स्मरण क्षमता जो होती है, मैं आपको बताती हूँ, आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, मस्तिष्क, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। ब्रेन जो होता है, ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन मैं कहूँगी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे सोचने समझने, हमारी हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके, बिल्कुल सही, अब करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल प्रतिभा, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है, इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे कहा जाता है प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, जिसे प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं, प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं। दूसरा मध्य मस्तिष्क होता है, जिसे मीजोन सेफलॉन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क, जिसे मीजोन सेफलॉन कहते हैं, सेफेलॉन कहा जाता है। और तीसरा होता है इसका, जो होता है पश्च मस्तिष्क। कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क, जिसे रोम्बोसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है। एक होता आपका, कौन सा होता है आपका? सेरिब्रम होता। कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस होता है। दूसरा कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। एक्चुअल में जो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का, जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, वो हमारी जो, ये बहुत सारे काम करता है। सेरिब्रम जो होता है, हमारे मेमोरी पावर हो गया, हमारी विल पावर कितनी ज्यादा है, ठीक है, इन सब के लिए हमारा, तो हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर,
हमारा आईक्यू लेवल, हमारा आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति हो गया, विल पावर। विल पावर होता मतलब किसी कार्य को करने की इच्छा, जैसे कि आपकी विल पावर है, यही विल पावर जो आपको क्या करती है, रोज पढ़ने के लिए मजबूर करती है। आपकी इच्छा शक्ति क्या करती है, आपको डेली मन होता कि नहीं पढ़े, लेकिन फिर आप अपने मन को मना लेते हैं आपकी विल पावर के कारण। तो ये सब चीजें जो होती है वो क्या होता है, आपका याद रखिएगा सेरिब्रम नियंत्रित करता है, जो कि मस्तिष्क का यानी कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, क्लियर। जबकि सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, सेरिबेलम का हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। तो शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है यानी कि उसका संतुलन बनाता है। जैसे हम चल रहे हैं, हम दौड़ते हैं, तो ये सब बैलेंस करने का काम कौन करता है, आपका शरीर का बैलेंस करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ये भी बहुत सारे काम करता है। जैसे हमारी जितनी भी फीलिंग है, फीलिंग आप समझते हैं, फीलिंग बहुत सारी होती है आपकी, प्यार की होती है, गुस्सा की होती है, घृणा, प्यार गुस्सा घृणा ईर्ष्या, ठीक है, प्यार गुस्सा घृणा ईर्ष्या, व्हाटएवर, ठीक है, जेलसी, जलन होती है ना। तो जितनी भी आपकी फीलिंग है तो वो सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है आपका, ये हाइपोथैलेमस करता है। हालांकि ये पूरा है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे हैं अपन ऐसे तो। हालांकि क्योंकि महिला बाल विकास में आपका ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है। चले, मानव के मस्तिष्क में ओके, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ओके वेट। पता नहीं यार,
ओके हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। टिन, तांबा, तांबा कॉपर, जस्ता, एल्यूमिनियम। सो आपने आंसर करा बिल्कुल, हेमलता, ललिता, दीक्षा, सपना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने आंसर करा सी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन के बारे में हम जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये हमारे पैनक्रियाज से क्या होता, निकलता है, यानी कि अग्नाशय से रिलीज होता है। और इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो जिंक यानी कि जस्ता धातु पाई जाती है। अब इंसुलिन के बारे में कुछ बातें बेसिक सी हम समझ लेते हैं। इंसुलिन जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो बीटा सेल से। हमारा जो अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रियाज होता है, उसमें बीटा सेल्स पाई जाती है। तो बीटा सेल से कौन सा हॉर्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, रिलीज होता है। और इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है वो किसने करी थी, तो याद रखिएगा ये करी थी वेंटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन हार्मोन की खोज सन 1921 में, 1921 में वेंटिंग और वेस्ट के द्वारा की गई थी। वेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। और इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन का जो फंक्शन होता है, तो इट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। इसका कार्य क्या होता है, तो ये हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब इसकी अगर मान लीजिए इंसुलिन जो हार्मोन होता है, अगर इनकी कमी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए, इसकी कमी हो जाती है, सो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज को हम कहते हैं मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मधुमेह कहते हैं। जबकि इसकी अधिकता से, जबकि इंसुलिन नामक हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, करेक्ट। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर डायबिटीज, मधुमेह क्या होता है। देखो मधुमेह क्या होता है कि एक्चुअल में जब हमारा जो हमारी बॉडी में हमारा पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारा जो हमारे जो चूंकि आप जानते हैं कि हमारे शुगर लेवल कंट्रोल करता है, सो इस कारण से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है हमारे हमारे रक्त में, हमारे मूत्र में शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज कहते हैं। फिर बोलते हैं कि डायबिटीज हो गई तो मतलब अब क्या, अब मीठा नहीं खाना, मीठा से परहेज भाई, क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई रहा नहीं, राइट। सो अब डायबिटीज हालांकि दो प्रकार का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा रक्त होता है और मूत्र होता है, तो हमारे रक्त और मूत्र में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती, वहां पर बढ़ रही और यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इंसुलिन के लिए हम क्या चीजें खाएं भाई कि इंसुलिन रिलीज हो, तो डहेलिया, डहेलिया जो पौधा होता है, डहेलिया, डहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। कदम्ब, कदम्ब जो पेड़ होता है उसके तने से, कदम्ब पेड़ के तने से इंसुलिन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं मैम। टेबल सुक्रोज, सुक्रोज सॉरी मैम, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, बिल्कुल। टेबल शुगर जो होता है वो सुक्रोज को कहा जाता है, और गन्ने में मौजूद होती है सुक्रोज। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, बताएं इनमें से कौन सा है। हाँ, जामुन, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल मंजू गुप्ता, जामुन हो गया, जामुन खा सकते हैं आप, मेथी दाने जो मेथी है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप सदाबहार जो आते हैं ना, सदाबहार के जो पौधे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं सदाबहार के, तो वो भी
ओके अब आ जाएगी आवाज, ठीक है। नेक्स्ट, दंत क्षय का कारण है, द कॉज ऑफ डेंटल कैरीज इज, बताएं दंत क्षय का कारण क्या होता है, फटाफट। अरे आ गई भैया आ गई, सपना। अरे अभी तो आ रही होगी यार। हाँ चलो ठीक है। तो दंत क्षय कारण वायरल संक्रमण के कारण होता है, दूषित पानी के कारण होता है, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। किस कारण से होता है? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, दंत क्षय होता है, ठीक है। चले अब हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर, अल्जाइमर के बारे में आपने शायद सुना होगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, व्यक्ति को याद नहीं रहता है, अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। डिस्कवर द प्रोटीन दैट कॉजेस द डेंजरस ब्रेन डिसीज, बताएं अल्जाइमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है, इसका आंसर करिए, तो फिर जानते हैं आपको। चले जल्दी से आंसर करें। शोभना, पिंकी, ओके ठीक है। बी छाया ने आंसर करा है, और सपना जी ने सी करा है, दीक्षा ने बी करा है, अभी कंफ्यूज है दीक्षा कह रही है, ठीक है ओके। सो देखो यहाँ पर, एमीलाइट प्रीकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एमीलाइट प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है। सो आंसर सी इज करेक्ट, क्या बात है शोभना, आपका सही जवाब है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग, बताएं पेशी थकान के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक मूवी थी, हेमलता कह रही है, काजल पर बनी, वो भूल जाती है सब। अरे वो श्रीदेवी वाली पिक्चर भी थी एक, उसमें भी वो भूल जाती है, पता नहीं क्या नाम था पिक्चर का, नागार्जुन हीरो रहता है और अनिल कपूर। आरती ने करा है बी, डी करेक्ट आंसर है शिखा, शोभना, बिल्कुल खुशी, सत्यभामा, डी डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। पेशी थकान जो होती है वो किस कारण से, लैक्टिक अम्ल। आपने देखा होगा जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमें थकावट महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होती है वहां पर लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिस कारण से हमें थकावट महसूस होती है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव के मस्तिष्क में, ये तो हम कर चुके हैं, कौन सा रोग कवक, अरे फिर से हो गया यार, रिपीट हो गया। एनीवे, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी इज अ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन, ठीक है ओके। तो सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, वृद्धों में पाया जाता है, ड्रग नशेड़ियों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, केवल महिलाओं में पाया जाता है। तो आंसर करा है कुछ ने, वृद्धों का करा है, शिखा ने ए बोला है, दीक्षा ने ए बोला है, तेजू ने डी कहा है, महिलाओं में पाया जाता है, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर करना चाहेगा? सपना जी ने ए करा है। सुनिए बेटा, यहाँ पर सेरिब्रल पाल्सी एक्चुअली जो एक बीमारी होती है, जो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, और ये बच्चों में होती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी में जो
बच्चे होते हैं उनको किसी भी चीज को पकड़ने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। सो ये कहलाता है, जैसे मान लो पेन है, आप उसको पकड़ा रहे हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाता है कैसे पकड़े। ओके, दैट्स करेक्ट आंसर सी। आप लोगों ने, सभी ने गलत दी। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, बताएं क्या होता है। हाय राम गौतम मैम, आप वालों में क्या लगाती हो, तुम लड़का हो कि लड़की, पहले ये बताओ मुझे गौतम। मुझे बुद्धि लगा, ठीक है कोई बात नहीं। सो वॉइस इज कमिट कमिंग प्रॉपरली और नॉट? ये नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब पता चल गया, अब गलती नहीं होगी, है ना। चलें, सो स्लीप एनीमिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। स्लीप एनीमिया, निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बी, निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं, ये भी नहीं है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल। स्लीप एपनिया जो होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, व्यक्ति जब सोता है तो नींद में बार बार क्या होता है, उसकी सांस में बाधा आती है, इसे कहा जाता है स्लीप एपनिया कहा जाता है। ये मुझे पता था, बहुत लोग ऑप्शन ए ही देने वाले, बेटा ए नहीं है, गलत है सबका, ठीक है। तेजू आपने सही करा आंसर, गुड। मंजू आपका भी सही है, सीता का भी सही है, दीक्षा भी राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा है। द एलिमेंट फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द ह्यूमन बॉडी इज, चले बता, तो ये तो बता देंगे, इसमें आई आई थिंक कोई भी गलत नहीं करेगा। नींद में कमी नहीं है बेटा। अच्छा ओके, गौतम कुशवाहा जी मैम, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। ओके, फिर आप पूछ सकती हैं बालों के लिए। ओके, अब जब मिलने आई आइएगा मुझसे, फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। रिया आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। ओके, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ये पता आपको, ये वाला प्रश्न जो है ये एमपीपीएससी में भी आया था, एमपीपीएससी 2019 से पूछा गया था, ठीक है। 2019 एमपीपीएससी 2019 है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। ऑक्सीजन मौजूद होता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देती, लगभग 65% पाया जाता है हमारी बॉडी में, लगभग 65% क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। एंजाइम है, एंजाइम इज फैट, आरएनए, प्रोटीन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एवर। ब्लड में आयरन होता है, बट बॉडी की बात कर रहा है बेटा, अब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है, ऑक्सीजन। आयरन तो बहुत कम होता हमारी बॉडी में, आई थिंक ये तो 1% से भी कम होता है, 65% ऑक्सीजन होता है टोटल बॉडी में। एंजाइम वसा है, आरएनए है, प्रोटीन। तो याद रखिएगा, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः, एंजाइम को आपको पता है विकर कहते हैं इसको, इंग्लिश में एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है, और इसे हिंदी में विकर कहा जाता है। क्या कहते हैं, विकर कहते हैं। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः वो प्रोटीन होते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एंजाइम की एक विशेषता ये भी होती है कि एंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, बायो कैटेलाइजर होते हैं, और ये किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं परंतु खुद नष्ट नहीं होते हैं, तो ये होते हैं आपके एंजाइम होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति को इंग्लिश में मेनोपोज कहते हैं,
मेनोपोज देखो क्या होता है, जब महिलाओं में मंथली साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टॉप आफ्टर द मेनोपोज इन वुमेन? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। बिल्कुल करेक्ट मंजू, बिल्कुल। सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, बट सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ट्रू, गुड, ठीक है मंजू, वेरी गुड, सी इज करेक्ट, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। एस्ट्रोजन, याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, इसके बारे में वैसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये बालिकाओं में कब से रिलीज होना शुरू होता है? तो इसका सिक्रेशन जो होता है, ये लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू होता है। और ये कब निकलना समाप्त होता है? तो इसका समापन जो होता है, ये रिलीज होना कब बंद हो जाता है? तो 45 से लेकर 50 ईयर की उम्र में क्या हो जाता है? ये निकलना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन को हम कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, यानी कि मादा लिंगी हार्मोन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे फीमेल सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन वुमेन। ये जो होता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, इसे गॉड कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्धारण करता है। सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर मतलब क्या होते हैं? जैसे जो लड़कियां होती हैं, जब उनमें जब उम्र उनकी बढ़ती है, डेवलपमेंट होता शरीर में, जैसे कि स्तनों का विकास होना, ठीक है, हिप्स एंड थाइज जो होते ब्रॉडर होना, उनका प्यूबिक हेयर, ठीक है, जन्नांगों के बालों का आना। सो दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, ये सब होते सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि डिटरमाइन होते एस्ट्रोजन के द्वारा। और जब महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति होती है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते, तो उस दौरान एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जो होता है, ये अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका, ये अंडाशय मतलब ओबरी है ना, अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका के थीका इंटरना कोशिकाओं से निकलता है। थीका इंटरना कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती वह होती है? द ब्लड वेसल्स ग्राफ्ट यूज इन अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखते इसका आंसर। मिस ठाकुर, हेलो मैम, हेलो मिस ठाकुर जी। आईसीएमआर रिपोर्ट जो है आशु, आईसीएमआर रिपोर्ट जो है आप नई पढ़ के जाएं, 2020 की पढ़ें, 2010 की नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो दोनों पढ़ लें, बट मेरे ख्याल से तो नहीं ही पढ़ना उचित रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो पांव से ली गई शराह होती क्या? नहीं, बोल रहा कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती वह होती है। अग्रहस्त से ली गई धमनी मतलब अगले हस्त, आर्टरी टेकन फ्रॉम द फोरआर्म, नहीं, सीने छाती के बक्ष स्थान से ली गई धमनी, या फिर डी है प्राय छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, मेमोरी आर्टरी, या हाथ से रेडियल धमनी, या पैर से सेफनस वेन। तो आंसर क्या रहेगा? डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, देख लें इसको। आज बहुत गलत हो रहे बेटा आप लोगों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल के निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होगी? बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल विल हैव कैथ लैब? नमस्कार कविता जी, नमस्कार।
पूजा। डी इज करेक्ट आंसर, डी ही है। हाँ डी ही है बेटा। ओके अस्पताल देखो, कैथ लैब जो होती पैथोलॉजी विभाग में होती है क्या? नहीं, शल्य चिकित्सा विभाग में होती नहीं, कार्डियोलॉजी विभाग। सो ये जो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। कार्डियोलॉजी आप जानते हैं जहाँ पे हार्ट संबंधित है ना अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी। सो सी इज करेक्ट आंसर, कैथ लैब। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती वह होता है, कौन सा होता है? मैम आज कैसे क्वेश्चंस है, अभी अभी खुद ही बोल रहा था कल कोई, मैम अच्छे नए क्वेश्चन लाना, टफ टफ क्वेश्चन लाना, तो फिर मैं ले आई आज नए क्वेश्चन ला दी। एनीवे ठीक है, तो मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती वह है, एफेड्रिन, एक्विनिल, एट्रोपिन। सो आंसर है एट्रोपिन, कौन सा है? एट्रोपिन, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा यार मैम आज क्वेश्चन नहीं बन रहे, मत रो, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में और समझ नहीं आते हैं, रिया कह रही है, इसलिए तो बोल रही हूँ पढ़ लो अभी टाइम है तो पढ़ लो अभी। तो तुम लोग तो समझदार इंसान हो, और मुझे लगता है यार मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगी आपको एग्जाम्स पहले कि आई थिंक 3-4 किताब के तो मैं करा ही दूंगी आपको कम से कम। ठीक है चले, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात पैरालाइज हो गया है। व्हेन अ डॉक्टर टेल्स समवन दैट ही हैज टेट्राप्लेजिया इट मीन्स दैट ही हैज बीन पैरालाइज्ड, बताएं। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। आपकी जो हफ्ते में क्लास है वो मैं 3 दिन लेती हूँ, आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन ही हमारी क्लास अभी हो रही है, बट डोंट वरी, हमारा जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम डेली लेंगे, हम इवन संडे को भी लेंगे, सो आप चिंता ना करें। अच्छा डेली क्लास ले, अभी कुछ काम में बिजी हूं मैं, अदरवाइज आई विल टेक क्लास रेगुलरली। ओके हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, आई होप सब बिल्कुल अच्छा रहे, ठीक है कुछ भी चेंज ना हो। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से, केवल दाएं हाथ का, दाएं हाथ का केवल, बाएं हाथ का केवल, दोनों पैर का, दोनों पैर। सो बिल्कुल, जब डॉक्टर किसी को कहता कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया, मान लो आप गए कहीं ठीक है, किसी को पैरालाइज है और डॉक्टर ने बोला इन्हें क्या हो गया, टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो अरे वाह आप तुरंत बता दे रहे, अच्छा दोनों हाथ एवं दोनों पैर का पैरालाइज, टेट्राप्लेजिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार नहीं आप देखते डॉक्टर लोग आते हो बिल्कुल डिफिकल्ट शब्द बोलते, फिर लोगों को समझ ही नहीं आता है, तो आप पढ़ के जाएंगे आपसे बन जाएगा। चले, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते क्योंकि इसमें क्या होता है? ये क्वेश्चन तो हम पहले भी करा चुके हैं जीके वाले सर, मतलब आपके शिवम सर। शिवम सर की बात कर रहे हैं क्या तुम लोग? आज तो तुक्का भी नहीं लग रहा है, ऐसे होता है एग्जाम में भी तुक्का नहीं लगता दीक्षा, सो डोंट वरी ठीक है, प्रैक्टिस कर लो भी। चलो, बासमती चावल जो होता है आपको पता है, द ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस बिकम्स लॉन्गर व्हेन कुक्ड बिकॉज इट कंटेन्स अबेंडेंस ऑफ, सो लाइसिन का क्या होता है, अधिकता होती है। सो इस कारण से जो बासमती चावल होते हैं अपन बनाते हैं तो कितने लंबे लंबे से हो जाते हैं, सो दैट्स द रीजन ऑफ लाइसिन। मानव सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, द फर्स्ट
अ ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट टुक प्लेस, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो हार्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, और इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ हुआ था। इंडिया मतलब हमारे भारत देश में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, भारत के दो नाम इंडिया और भारत। तो दुनिया में सबसे पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, आंसर करा है ठीक है, तो भी लोग खाओ मैगी, मैं नहीं खाती हूँ मैगी, मुझे नहीं पसंद मैगी, ठीक है। चलो, तो दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में क्या हुआ था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, ठीक है। और एक्चुअली में ये किसने किया था, तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था फर्स्ट पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में हुआ था। अब इंडिया की बात करते, भारत देश की, तो भारत में सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अब शहर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं, डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और आप मुझे बताएंगे किस शहर में किया गया था। वाह, तुम्हें तो डेट भी याद है, शिवोलॉजी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, 3 दिसंबर 1967, मुझे बस ईयर याद है, डेट नहीं याद है, ठीक है। एक ग्लास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है, हाउ मैनी कैलोरीज डू यू गेट फ्रॉम द ड्रिंकिंग ऑफ अ ग्लास वाटर। न्यू दिल्ली, 1 अगस्त 1994, बिल्कुल, नई दिल्ली में 1 अगस्त 1994 में हुआ था। चलें बताएं, तो हम जानते शून्य, एक ग्लास पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती, मतलब कुल मिलाकर जो पानी होता, पानी में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है। सो आंसर इसका करेक्ट रहेगा ए, शून्य। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है, ये हमने देखा था, हमने कहा था इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे आगे चलकर। कल क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, कल आप लोग आए, कल क्लास लेंगे हम, ऑनलाइन क्लास रहेगी आपकी। बिल्कुल, तो पिट्यूटरी नहीं, पीयूष ग्रंथि तो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड है, इसको तो हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता, ताप नियंत्रण का काम करता। हाइपोथैलेमस को कहा जाता मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये क्या करता है, तो ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है, ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रण करता है, ठीक है। हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी फीलिंग्स मतलब आप जानते, फीलिंग्स बहुत सारे टाइप की होती है, फीलिंग्स लव वाली होती है, मतलब प्यार गुस्सा घृणा ईर्ष्या, यानी कि जेलसी हो गया, सुख दुख आनंद, ये सब फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। मास्टर का मास्टर कहते, करेक्ट, क्योंकि क्यों कहा जाता है इसे मास्टर का मास्टर, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये पीयूष, वैसे हाइपोथैलेमस जो होता है वो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण करता है उनका, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज कर लीजिएगा, मैंने जब ब्रेन आपको पढ़ाया था यहाँ पर, मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर सेरिब्रम और दूसरा पार्ट लिखिएगा डाइनसेफलॉन, डाइनसेफेलॉन माफ कीजिएगा, यहाँ पे डाइनसेफलॉन, ठीक है। और जो डाइनसेफलॉन होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता थैलेमस होता है और एक होता हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको प्लीज करेक्ट कर लें यहाँ पर, हाइपोथैलेमस एकदम दिमाग से स्किप हो गया था, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो डाइनसेफलॉन एक्चुअली अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिब्रम होता है और दूसरा होता है डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन जो होता है इसके दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस से हमें ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास होता है, ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास, टच का एहसास भी यहीं से होता है, थैलेमस वाले पार्ट से। ठीक है। कोलो, कोली कैल्सी फिरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, कोली कैल्सी फिरॉल। कोली कैल्सी फिरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, कोली कैल्सी फिरॉल इज द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड हड्डी कैल्शियम का, विटामिन डी का। सो बिल्कुल कोली कैल्सी फिरॉल जो होता है ये किसका है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एक्चुअल में जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम होता कैल्सी फेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सी फेरॉल होता है, कैल्सी फेरॉल होता है। और विटामिन डी जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक विटामिन D2 होता है, एक होता है D3 होता है। इसमें जो D3 होता है उसे कहा जाता है कोली कैल्सी फेरॉल कहा जाता है, ठीक है। कोली कैल्सी फेरॉल कहते हैं और इसको आर्गो कैल्सी फेरॉल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आर्गो कैल्सी फेरॉल कहा जाता है, ठीक है। तो यस, D3 का रासायनिक नाम होता है। और D3 जो होता है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है सिलियक रोग। D3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सिलियक रोग होता है, सिलियक डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, और विटामिन डी जो होता है वो फैट में घुलनशील विटामिन होता है। अदरवाइज जो आपके विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, ठीक है। खुशी मैम, आप डेली क्लास नहीं लेते हो तो हमें पता नहीं चलता है कि कल क्लास रहेगी, ठीक है। मैं बता दिया करूँ, जब क्लास नहीं रहा करेगी तो मैं बता दिया करूंगी आपको, ठीक है। चले नेक्स्ट। किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख मैं Hg से तात्पर्य है, मतलब किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर है तो वो पूछ रहा है यहाँ पर Hg का मतलब यहाँ पर क्या है। गुड इवनिंग यशु यादव, गुड इवनिंग छाया, मरकरी, बिल्कुल। आप देखते हैं, हमने आपको पता होगा बीपी, एक सामान्य बीपी जो होता है, बीपी हमारा एक सामान्य व्यक्ति का बीपी, तो ये 120/80 mmHg, ठीक है, mmHg। Hg मतलब यहाँ पर क्या होता, मरकरी होता यानी कि पारा होता, ठीक है। ये सामान्य व्यक्ति का बीपी इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बीपी इतना है मतलब आप स्वस्थ हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg हो जाता है तो इसका मतलब आपको हो गया हाइपरटेंशन यानी कि अति तनाव की स्थिति, ठीक है। और वो पूछ रहा है यहाँ पर Hg का मतलब क्या होता, तो बेटा Hg जो यहाँ पर होता है मरकरी यानी कि पारा को इंडिकेट करता है। सो आंसर इज बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, अच्छा बीपी को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, बस
आज क्वेश्चन थोड़ा कम थे, लास्ट क्वेश्चन है अपना, जबकि टाइम अपने पास बचा है अभी। ये तो मैंने ज्यादा थे, टाइप कम हुए। तो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन ए का स्टोर तो होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई। विटामिन सी का स्टोर बिल्कुल भी नहीं होता है, विटामिन सी का स्टोर नहीं होता है। विटामिन ए कहाँ पर होता है? विटामिन ए का स्टोर तो हमारे यकृत में होता है, लीवर में स्टोर होता है। और विटामिन सी जो होता है इसका स्टोर नहीं होता है, ये बिल्कुल भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। मतलब हम पेशाब करते, यूरिन करते, तो यूरिन के साथ डेली क्या होता है, निकलता रहता है। विटामिन सी का स्टोर हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता है। यही कारण है कि हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी के लिए हम क्या करें, तो हमें खट्टे रसीले फल का, जो खट्टे रसीले फल होते हैं उनका सेवन करें हम। आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। इसके अलावा आप हरी मिर्च हो गया आपका, खट्टे रसीले फल लाइक मौसमी, संतरा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आपके विटामिन सी के। हरी मिर्च बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, बिल्कुल। विटामिन सी की कमी से एक रोग भी हो जाता है जिसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। और स्कर्वी में आप जानते हैं क्या होता है? स्कर्वी को हम नाविक रोग भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नाविक रोग भी कहा जाता है। नाविक रोग कहते हैं, इसका मतलब मैंने बताया, मुझे कौन बताएगा कि स्कर्वी को नाविक रोग क्यों कहते हैं? यस, ये बुढ़ापा, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाने से व्यक्ति में जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। इसके अलावा दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है, तो दूध में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। विटामिन सी दूध में क्या होता है? एब्सेंट होता, अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके अपवाद भी, एक्सेप्शन भी है भाई, किन के दूध में मौजूद होता है, लाइक जैसे कि बकरी हो गई, बकरी भेड़ हो गई, उटनी, इनके दूध में क्या होता है? विटामिन सी मौजूद होता है। अदरवाइज जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सबसे पहला विटामिन है, अगर बात करें सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई, तो सर्वप्रथम विटामिन सी की ही खोज की गई। सर्वप्रथम इसी विटामिन की खोज की गई। अब इस विटामिन की खोज किसने की थी? तो योजक्स हॉलकट। किसने करी थी? योजक्स हॉलकट के द्वारा। योजक्स हॉलकट ने सबसे पहले इस विटामिन की क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक है। तो आज हमारी क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे कल। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आई होप कल क्वेश्चन भी हमारे बहुत मिक्स टाइप के रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अपना फिर ध्यान रखें आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत सारे टाइप की हैं, जेनेटिक भी हैं बहुत सारी, आपकी संक्रामक, असंक्रामक बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। नहीं, मनुष्य के दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, नाविक में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, इसका मन करे तो शेयर करें, जो भी आपका मन करे। मिलते हैं कल, ख्याल रखें, जय हिंद।